के आ गए फरिश्तों के जुर्म मुटे, देखिए मैंने क्या लिख दिया है, देखिए मैंने क्या लिख दिया है, हाथ कागज़े हाथ कागज़ कलम चूमते हैं, हाथ कागज़ कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले आला। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, जनाब कारी फहीम साहब बहुत ही अच्छा पढ़ रहे थे, बहुत जल्द उन्होंने माइक छोड़ दिया और सामईन अभी प्यासे हैं, अभी आपको मनकबत पढ़ना है, मनकबत आपका हमें बहुत पसंद है, इंशाल्लाह मैं आपसे पढ़वाऊंगा। हजरत, अब मैं आप हजरत के सामने एक ऐसे शायर को पेश करने जा रहा हूँ जिनकी ज़ात तारुफ की मोहताज नहीं है, और यहाँ पर जितने शोरा बैठे सारे शायरों के वो उस्ताद हैं और सबसे सीनियर है। मेरी मुराद है शायर इस्लाम मद्दाहे रसूल जनाब कारी अब्दुल बातिन साहब फैजी फैजाबाद से तशरीफ लाए हैं, जिन्होंने अपना एक उम्र अपनी एक पूरी उम्र 50-55 साल की उम्र होगी कारी साहब आपकी शायर 55 साल की उम्र है माशाल्लाह, और शुगर के भी मरीज हैं, लेकिन नाते नबी की बरकत है कि जब वो किसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो पब्लिक उनको सुनती है, पसंद करती है। बैठ जाए भाई, बैठ जाए, अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, बैठ जाए सब लोग, नबी की महफिल है, बैठ जाए, अफरा तफरी का माहौल, दरी बिछवाई जा रही है, ठीक है माशाल्लाह, दरी बिछवा दें ताकि सारे लोग आराम से बैठ कर सुन लें, किसी को जहमत ना हो, बरसात की वजह से दिक्कत आई है, अगर बारिश ना होती तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत आप लोगों की हम लोग करते, बारिश की वजह से थोड़ी सी तकलीफ आप हजरात को हो रही है, इनके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, आप हजरात माजरत फरमाएं। जनाब कारी अब्दुल बातिन साहब एक ऐसे शायर हैं कि जिन्होंने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम किया है, दीनी मजलिसों में और जलसों के स्टेज पर इन्होंने नात को पढ़ा है और नात को आम किया है, और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि इस उम्र में भी हमारी और आपकी खिदमत कर रहे हैं। मैं कारी अब्दुल बातिन साहब को नहायत ही अदब व एहतराम के साथ दावत देता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ़ लाए और अपनी नहायत ही तरन्नुम खेज आवाज से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। यूं तसव्वुर में तेरा चांद सा पैकर चमके, यूं तसव्वुर में तेरा चांद सा पैकर चमके, चांदनी रात में जिस तरह समंदर चमके, आपका इसमें मुबारक हो या इसमें आजम, लिख दिया जाए तो कागज का मुकद्दर चमके। सदर मौसूफ उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना कारी मोहम्मद मुश्ताक साहब दामत बरकत हूँ, नाज़िम मुशायरा अली जनाब अब्दुल माजिद साहब, स्टेज पर मौजूद शोराए कराम उलमाए कराम, हाजिरीन मुशायरा, नाते पाक का एक मतला एक शेर हाजिर करता हूँ, बाबाजे बलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु सल्लि अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम कमा तुहिब व तरजा अदद मा तुहिब व तरजा। नाते पाक का मतला हाजिर करता हूँ, चार मिसरे हाजिर करता हूँ, शेख साहब आपके हुजूर चार मिसरे हाजिर करता हूँ। चलो मिलकर चलो मिलकर चलो मिलकर करें ये अगत एक सुन्नत न छोड़ेंगे, अहद कर सलो माशाल्लाह, चलो मिलकर करें ये अगत एक सुन्नत न छोड़ेंगे, तसव्वुर में नबी का दामन रहमत न छोड़ेंगे, तसव्वुर में नबी का दामन रहमत न छोड़ेंगे, किसी ने गए किसी ने गए
नबी ये पाक पर उंगली उठाई तो किसी ने गए नबी ये पाक पर उंगली उठाई तो हम उस गुस्ताख पागल को किसी सूरत न छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह हू अकबर, अज़मत मुस्तफा जिंदा, जनाब कारी अब्दुल बातिन साहब। चलो मिलके, चलो मिलके करेंगे देख सुन्नत न छोड़ेंगे, तसव्वुर में नबी का दामन बेटा कहाँ है शेर से, तसव्वुर में नबी का दामन रहमत न छोड़ेंगे, किसी ने गए नबी ये पाक पर उंगली उठाई तो हम उस गुस्ताख पागल को किसी सूरत ना छोड़ेंगे। और चार मिसरे और हाजिर करता हूँ शोरा खुसूसी तवज्जो का तालीम हूँ और खास तौर से हज़रत क़ारी मुश्ताक़ साहब दामदार शेर सुनिएगा। उसी को हक पहुँचता है उसी को हक पहुंचता है जमाने की निजामत का जी वैसे, उसी को हक पहुंचता है जमाने की निजामत का जिसे बख्शा गया है ताज नबियों की इमामत का, जिसे बख्शा गया है ताज नबियों की इमामत का है रंगत चा है रंगत चार खुशबू चार है रंगत चार खुशबू चार तमगा चार चारों का है रंगत चार खुशबू चार तमगा चार चारों का सदाकत का अदालत का सखावत का शुजात का जिंदाबाद बहुत बढ़िया भाई साहब जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह दोबारा इरशाद माशाल्लाह है रंगत चार खुशबू चार तमगा चार चारों का है रंगत चार खुशबू चार तमगा चार चारों का सदाकत का अदालत का सखावत का शुजात का जिंदाबाद। और दोस्तों मैं शेर पढ़ता हूँ और मेरा दावा है पूरे मजमे में कोहराम समझ जाएगा, हाजिर करता हूँ समझ फरमाइएगा कारी ताबी साहब शेर सुनिए। चलो आओ, चलो आओ, चलो आओ कारी मुश्ताक साहब, चलो आओ अली और फातिमा से भी जरा पूछें जी बेशक बेशक बहुत खूब। चलो आओ अली और फातिमा से भी जरा पूछें, चलो आओ रसूलुल्लाह से पाया शरफ किसने इमामत का, रसूलुल्लाह से पाया शरफ किसने इमामत का, इमामत का जिंदाबाद। और चार मिसरे और हाजिर करता हूँ इरशाद इरशाद
नौजवानों की नजर। सोचने समझने से ये समझ में आता है, सोचने समझने से ये समझ में आता है, ये समझ में आता है, सोचने समझने से, सोचने समझने से, सोचने समझने से माँ के रूठ जाने से, माँ के रूठ जाने से रब्बी रूठ जाता है। अरे बहुत बढ़िया शेर शेर भाई, माशाल्लाह। अरे भाई सुभान अल्लाह, हौसला अफजाई कीजिए, माशाल्लाह। रब्बी रूठ जाता है सोचने समझने से, आसमां की आंखों से, नौजवान आसमां की आंखों से खून तब टपकता है, बहुत बढ़िया। खून तब टपकता है आसमां की आंखों से, आसमां की आंखों से, आसमां की आंखों से, खून तब टपकता है, खून तब टपकता है जब कोई जवां बेटा, जब कोई जवां बेटा, अरे माँ का दिल दुखाता है जब कोई जवां बेटा। एक मतलब दो तीन शेर हाथ करता हूँ समझ। वो जहां कदम रख दे वादियां महकती है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं देख रहा हूँ फोटो खिंचवा रहे पीछे से, सुभान अल्लाह। वो जहां कदम रख दे वादियां महकती हैं, वो जहां कदम रख दे वादियां महकती, मुस्तफा 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 की आमद से, अरे बस्तियां महकती, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमत मुस्तफा, आमद मुस्तफा, कारी अब्दुल पातिर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। मुस्तफा की आमद से बस्तियां महकती हैं। और दोस्तों ये शेर अपने भतीजे शायर इस्लाम मोहतरम अशफाक साहब के हुजूर हाजिर करता हूँ, चूंकि इनकी वालिदा इस दुनिया में नहीं रही, मेरी वालिदा भी नहीं रही, हाजिर करता हूँ। दोस्तों सुनिएगा, इंशाल्लाह सबके दिल में जाके ये शेर लगेगा। मामता मामता की खुशबू को जिसने कर लिया महसूस, शेख साहब, मामता की खुशबू को जिसने कर लिया महसूस, मामता की खुशबू को
जिसने कर लिया मैसूस उसको माँ उसको माँ उसके माँ के हाथों की रोटियां महकती हैं। बहुत खूब माशाल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब उसको माँ के हाथों की रोटियां महकती हैं। और फहीम पियानवी साहब भी तशरीफ रखते हैं। हाजिर करता हूँ शेर समाअत फरमाए। सोहबत रे सोहबत पयंबर का दोस्तो असर देखो सोहबत पयंबर का दोस्तो असर देखो इसलिए सहाबा की टोलियां महकती हैं। बहुत खूब माशाल्लाह सुभान अल्लाह टोलियां महकती हैं इसलिए सहाबा की टोलियां महकती आप वो गुले तर हैं आपकी कयादत में। बेटा शेर सुनो हाजिर करता हूँ समाज में। आप वो गुले तर हैं आपकी कयादत में आप वो गुले तर हैं आपकी कयादत में। अरे बद्र में सहाबा की टोलियां महकती हैं सोहबत पयंबर का दोस्तो असर देखो इसलिए सहाबा की हस्तियां महकती हैं इसलिए सहाबा की हस्तियां महकती हैं। और दोस्तों शेर में हाजिर करता हूँ एक एक शेर शेर एक एक शब्द को पहुंचना चाहिए। हमारी एक बेटी ने हिजाब के लिए कर्नाटक के अंदर दोस्तों क्या किया शेर में पढ़ता हूँ हाजिर करता हूँ। डाल कर हिजाब अपने अपने रूए से बाप डाल करने का मौलाना तवज्जो चाहूंगा डाल करने का बपोने अपने रूए से बाप डाल कर हिजाब अपने अपने रूए से बाप। अरे घर से जब निकलती हैं बेटियां महकती बहुत अच्छा पैगाम जिंदाबाद। से जब निकलती हैं बेटियां महकती हैं मुस्तफा की आमद की बरकतें जरा देखो मुस्तफा की आमद की बरकतें जरा देखो मुस्तफा की आमद की बरकतें जरा देखो इसलिए हलीमा की बकरियां महकती हैं इसलिए हलीमा की बकरियां महकती हैं इसलिए हलीमा की बकरियां महकती हैं। जिंदाबाद। और दोस्तों सदरे मुशायरा
हजरत मौलाना कारी मुश्ताक साहब दामद बरकातों के दुआ चाहते हुए हाजिर करता हूँ। शेर समाप्त फरमाइए। रात को तहज्जुद में डर से याद मौला में, रात को तहज्जुद में डर से याद मौला में, रात को तहज्जुद में डर से याद मौला में, अरे आंसू जो निकलते हैं सिसकियां महकती हैं, आंसू जो निकलते हैं सिसकियां महकती हैं, ओ पढ़ती रहती हैं बातें ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ती रहती हैं बातें ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ती रहती हैं बातें ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए समुंदर की मछलियां महकती हैं, इसलिए समुंदर की मछलियां महकती हैं, डाल कर हिजाब अपने अपने रूए ज़ेबा पे घर से जब निकलती हैं बेटियां महकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाक अल्लाह।